महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई के दादर स्थित एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर पहुंचे तो राज ठाकरे ने कुछ ऐसी आत्मीयता के साथ फडणवीस का स्वागत किया। राज ने फडणवीस को भगवा रंग का शॉल उड़ाया, गुलदस्ता दिया और तो और राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने महाराष्ट्रीयन परंपरा के अनुसार घर आए मेहमान को तिलक लगाया, मुंह मीठा किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की पिछले महीने सर्जरी हुई थी, उसके बाद से वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। शुक्रवार को काफी दिनों बाद राज मीडिया के सामने नजर आए। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की उसके बाद राज साहब ने उनको एक लेटर लिखा था, उस लेटर की बड़ी चर्चा भी हो गई और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस साहब ने साहब को फोन किया था और फोन करने के बाद देवेंद्र जी ने ये भी कहा था कि मुझे आपको मिलने के लिए आना है और जब भी मैं आपसे बात भी करूंगा। और जब भी वो अभी अस्पताल से आने के बाद वो मिले भी नहीं थे तो उन्होंने उनके तबीयत का हाल भी पूछने के उनको मिलना था और वो जो लेटर लिखा था उसके बारे में आभार मानने के लिए उनको मिलना था। तो आज जो आए थे आने के बाद उनकी अच्छी बैठक भी हो गई, तकरीबन डेढ़ घंटा उन लोग की बैठक हो गई। वैसे कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी की तरफ से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को कैबिनेट में मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। ये भी सुनने को मिला कि अगर बीजेपी की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आएगा तो राज ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं होंगे, पर आज एमएनएस ने इन अटकलों का खंडन करते हुए साफ मना किया कि राज ठाकरे के पास बीजेपी का कोई ऐसा ऑफर आया है। नहीं, वो तो राज साहब ने खुद बोल दिया अभी सभी को कि वो बात भी गलत थी, वैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पर क्या एमएनएस को नई सरकार में मंत्री पद का ऑफर होगा? इस सवाल पर एमएनएस नेता बाल नंदगांवकर ने जवाब दिया कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। राजनीति में तो राजकारण में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कौन कभी दोस्त बनता है, कौन कभी दुश्मन बनता है। दुश्मन नहीं, महाराष्ट्र में तो दुश्मनी नहीं चलती, मगर कुछ भी राजनीति में हो जाता है। पता नहीं अभी आने वाले इलेक्शन में क्या हो सकता है, जैसे कि महाविकास आघाड़ी सोची भी नहीं थी हमने, वो बन गई। अभी सोचा भी नहीं था ऐसा गठबंधन भाजपा और एकनाथ शिंदे साहब के लोगों का हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल तो मैं कोई भविष्यवेत्ता तो हूँ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि एमएनएस भी नई सरकार में एक कैबिनेट सीट ले। दरअसल एमएनएस ने बीजेपी को राज्यसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव में सहयोग किया था और अब एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भी एमएनएस ने समर्थन दिया है। कहा जा रहा है कि इसलिए बीजेपी एमएनएस को कैबिनेट सीट देना चाहती है। एमएनएस के पास विधानसभा में सिर्फ एक विधायक राजू पाटिल है जिनकी की किस्मत खुल सकती है। बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति बन रही है, लोग देख रहे हैं ना कि ये क्या चल रहा है। जो लोगों ने जो मैंडेट दिया था वो मैंडेट के खिलाफ जाके सरकार बनी थी, उसके बाद अभी वापस सरकार टूट गई, अभी नई सरकार बन गई, तो लोग भी कितने अनसर्टन परिस्थिति देखेंगे। उनको भी लगता है कि कुछ बदल जाए तो कुछ अच्छा लोग आना चाहिए सरकार में। तो मुझे लगता है कि अभी की ये सब माहौल देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला काल ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए, राज ठाकरे साहब के लिए और रेलवे इंजन के लिए बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। लड्डू फूटने का सवाल ही नहीं आता है, लड्डू आएंगे तो खा भी लेंगे, वो बात नहीं। अभी तक तो वही लोग खा रहे थे ना, मनसेड़ो तो किधर लड्डू खाए भी नहीं है। तो लड्डू अगर खिलाएंगे और आप लोग भी लड्डू खिलाने के लिए तैयार हो जाओ हमारे साइड से तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाकात में आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर भी चर्चा की। शिवसेना का बीएमसी पर 30 साल से कब्जा है, बीजेपी शिवसेना के हाथ से बीएमसी की सत्ता छीनने के लिए चुनावी गणित में लग गई है। पिछले कुछ समय में राज ठाकरे ने अपनी पूरी पार्टी को भगवा रंग में रंग दिया है। मस्जिद में लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा के मुद्दे उठाकर वो शिवसेना की हिंदुत्ववादी राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे का ये भगवा स्वरूप शिवसेना को काउंटर करने में बीजेपी के काम आ सकता है। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।